नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से साफ किया है कि भारत में बिना ड्राइवर के चलने वाली यानी कि ड्राइवर लेस या फिर ऑटोनॉमस कारों को लॉन्च किया नहीं जाएगा। बता देते हैं, IIM नागपुर द्वारा आयोजित जीरो माइल कम कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जब तक मैं मंत्री हूं, भारत में ड्राइवर लेस कारों को लॉन्च करने की अनुमति नहीं मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बदलावों पर जोर दिया है, जैसे कारों में 6 एयरबैग शामिल करना, सड़कों पर ब्लैक स्पॉट कम करना और मोटर व्हीकल अधिनियम के माध्यम से जुर्माना बढ़ाना इत्यादि। उन्होंने कहा है कि हमने मोटर व्हीकल अधिनियम के माध्यम से जुर्माना बढ़ा दिया है, वहीं एम्बुलेंस और क्रेनें रखी गई हैं ताकि चीजें यहां से बेहतर हो सकें। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हम हर साल जागरूकता भी बढ़ाते हैं। नितिन गडकरी ने बिजनेस टुडे के एक सवाल पर कहा है कि मैं कभी भी ड्राइवर लेस कारों को भारत में आने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि इससे 70 से 80 लाख ड्राइवरों का रोजगार खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। वहीं आगे उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन भारत में बिक्री के लिए चीन में मैन्युफैक्चरिंग स्वीकार्य नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम टेस्ला को भारत आने की अनुमति देंगे, लेकिन चीन में निर्माण का इसे भारत में नहीं बेच सकते, ऐसा होना असंभव है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इन दुर्घटनाओं के चलते 3% GDP का नुकसान भी होता है। और इन रोड एक्सीडेंट में मरने वालों में 60% युवा हैं और इसमें 10% मौतों में और 12% एक्सीडेंट में इजाफा देखा गया है।